नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला अपराधों को लेकर शुरू से ही गंभीर रही है, बल्कि महिलाओं को परेशान करने वाले कई अपराधियों का यूपी पुलिस एनकाउंटर भी कर चुकी है और जो कुछ अपराधी बचे हुए हैं उन्हें उन्होंने तो खुद ही यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के बावजूद कुछ अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। इस बीच यूपी के आगरा से एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है, जहां 5 आरोपियों ने एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि आरोपी बेहोशी की हालत में महिला को सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। शर्मसार कर देने वाला यह मामला आगरा के बरहन इलाके का है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पीड़ित महिला हलवाई के साथ एक शादी समारोह खाना बनाने के लिए गई थी, लेकिन महिला का आरोप है कि जिस शख्स के साथ वो भरोसा करके गई थी उसी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता के मुताबिक आरोपी हलवाई उसे शादी के पंडाल से कुछ दूर जबरन ले गया था, जहां उनके अन्य साथी पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी महिला को सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। आइए आप भी सुनिए इस मामले में पीड़िता के परिजनों का क्या कहना है। एक हमारा में कैसे ले गई इसे, और मुझे तो यूं ना पता कहा है खाना में तेजी नौकरी, अरे मेरे पेट में दर्द मार रहा है। मैंने कही क्या बात है मेरी, तो फिर हलवाई बोलो यहाँ से अम्मा ले जाओ जल्दी जल्दी। तो मैंने कही मैंने काय को ले जाए, हलवाई की जिम्मेदारी चाहते हैं पूरी रेलवे, तो तू अपने जाने हम नहीं जाएंगे। तो उसने लड़काय को लाओ और मोटरसाइकिल पे छोड़ के जाओ। तो वहीं घटना के दौरान पीड़िता की मदद के लिए पास के ही एक पुलिस चौकी पर भी गई थी, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से पुलिस को मामले की सूचना दी गई और महिला को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। आवलखेड़ा थाना क्षेत्र बरहन में एक सामूहिक दुष्कर्म की सूचना हमें मिली है। इसमें तत्काल हमने पीड़िता से संपर्क किया, पीड़िता को उपचार हेतु ये जिला मेडिकल कॉलेज में हमने उनको लाया है, लेडी लॉयल में इनका उपचार चल रहा है। इसके अलावा जो इनके पति हैं, पति के द्वारा तहरीर ली जा रही है। पति ने बताया कि महिला के इनकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। जो भी तहरीर ये देंगे उस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। और जो प्राथमिक सूचना ये बता रहे हैं किन्हीं दो लोगों के नाम बताए हैं, उस दो में से एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बाकी भी जो नाम इसमें प्रकाश में आएगा उनकी शीघ्र हम गिरफ्तारी करेंगे और आगे की विधिक कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा तो कर रही है, लेकिन इस घटना ने ना सिर्फ महिला के भरोसे को तोड़ा बल्कि उसको जिंदगी भर का एक दर्द भी दे दिया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।